जी दोस्तों, आपने थंबनेल में सही पढ़ा है, मेटावर्स एक नई दुनिया की खोज। दोस्तों, क्या सच में हमें एक नई दुनिया मिल चुकी है? क्या यह असली दुनिया होगी? क्या हम लोग उस दुनिया में भी घर बना सकेंगे? मेटावर्स क्या है? जैसे और भी कई सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इमेज ऑफ ड्रीम। मेरा नाम है संजीव और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक नई दुनिया के बारे में जिसका नाम है मेटावर्स। जी दोस्तों, सन 1992 में एक अमेरिकी लेखक नील स्टीफेंसन ने स्नो क्रैश नाम की एक साइंस फिक्शन उपन्यास लिखी थी जिसमें उन्होंने रियलिस्टिक 3D इमारतों और अन्य आभासी वास्तविक वातावरण में मिले आजीवन अवतार की कल्पना की थी। उन्होंने कल्पना की थी कि मेटावर्स एक स्पेस होगा जहां लोग अपने अवतार के जरिए एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे। कुछ ऐसी साइंस फिक्शन मूवी भी आ चुकी है जिसमें वर्चुअल वर्ल्ड की बात की गई है, जैसे अवतार, इंसेप्शन, बियॉन्ड द ब्लैक रेनबो, स्टार वार्स इत्यादि। लेकिन क्या पता था कि नील स्टीफेंसन की कल्पना रियलिटी में बदल जाएगी? आज विभिन्न विकासों ने रियल मेटावर्स एक ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड की ओर माइल पोस्ट बना दिया है जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, 3D होलोग्राफिक अवतार, वीडियो और संचार के अन्य साधन शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि मेटावर्स क्या है? तो आपको बता दें, मेटा का अर्थ होता है बियॉन्ड मतलब परे, और वर्स का अर्थ होता है यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड दुनिया। अतः मेटावर्स का अर्थ होता है दुनिया से परे, दुनिया से बाहर, एक अलग दुनिया जो कि एक वर्चुअल दुनिया है, यानी कि एक आभासी दुनिया जिसे हम रियल में आवाज कर सकते हैं। यह एक वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और वीडियो सहित टेक्नोलॉजी के कई तत्वों का संयोजन है जहां उपयोगकर्ता एक डिजिटल ब्रह्मांड के भीतर रहते हैं। क्या हम उस दुनिया में भी घर बना सकेंगे? जी हाँ, मेटावर्स एक ऐसी वर्चुअल दुनिया है जहाँ हम वो सब कर सकते हैं जो हम अपनी असली दुनिया में करते हैं, जैसे जमीन की खरीद बिक्री, घर का कंस्ट्रक्शन, रोड का निर्माण, स्टेडियम, शॉपिंग मॉल, पार्क, यहाँ तक कि किसी समारोह का आयोजन, कोई सम्मेलन, कोई मीटिंग, संगीत कार्यक्रम, त्यौहार, फैक्ट्री विकसित करना और अपने प्रोडक्ट की बिक्री तक भी कर सकते हैं। ये सब कैसे संभव होगा? दोस्तों, आपको बता दें कि मेटावर्स एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ आपकी एक आइडेंटिटी होगी। आप घर पर होंगे लेकिन आपका अवतार मेटावर्स में होगा जिसे आप खुद से कंट्रोल करेंगे, यानी कि इस डिजिटल आवासीय दुनिया में आप लोग एक दूसरे के साथ डिजिटली साथ होंगे। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि मान लीजिए आपको एक संगीत समारोह में भाग लेना है, तो इसमें मेटावर्स के लिए उपयोग की जाने वाली डिवाइस के जरिए आपका अवतार अन्य लोगों के साथ उपस्थित होगा और आप यह महसूस कर पाएंगे कि आप भी उस संगीत समारोह में हिस्सा ले रहे हैं और अन्य लोगों के साथ इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वहां दूसरे लोग भी अवतार के रूप में होंगे और आप उनसे वहां पर ही रूबरू हो सकेंगे। क्या यह असली दुनिया होगी? दोस्तों, आपको बता दें कि मेटावर्स एक आवासीय दुनिया होगी जो कि इंटरनेट की दुनिया से आगे की टेक्नोलॉजी होगी जिसे कि वेव 3.0 कहा जा रहा है। अब सवाल आता है कि वेव 3.0 क्या है? तो शुरुआत करते हैं वेव 1.0 से। सबसे पहले जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तो ज़्यादातर चीज़ें टेक्स्ट के रूप में एक जगह से दूसरे जगह भेजी जाती थी। फिर आया वेब 2.0 जो अभी मौजूदा समय में चल रहा है। वेब 2.0 में टेक्स्ट के अलावा ऑडियो, वीडियो और 3D का भी एक्सपीरियंस हम लोग कर सकते हैं। जाहिर है कि वेब 2.0 के बाद वेब 3.0 आएगा जो कि मेटावर्स होगा। इसमें इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका पूर्णतः बदल जाएगा और लोग एक नई दुनिया यानी मेटावर्स में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या फेसबुक का नया नाम मेटा ही मेटावर्स है? दोस्तों, आपको बता दें कि फेसबुक के फाउंडर और CEO मार्क जुकरबर्ग ने बड़ी चालाकी से फेसबुक का नाम चेंज कर मेटा कर लिया है। मेटा नाम बदलने के पीछे इनका मकसद फेसबुक को मेटावर्स की तरह डेवलप करने का ही है। फेसबुक ने मेटावर्स पर काफी काम कर लिया है। कंपनी ने होरिजन वर्करूम नाम का एक मीटिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इसे ओकुलस VR हेडसेट को लगाकर यूज किया जाता है।
इस सॉफ्टवेयर और ओक्यूलस वीआर हेडसेट का इस्तेमाल करके आप मीटिंग में अपना अवतार रख सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पहले से ही होलोग्राम का उपयोग करती है और अपने माइक्रोसॉफ्ट मेस प्लेटफॉर्म के साथ मिश्रित और विस्तारित रियलिटी अनुप्रयोगों को विकसित कर रही है, जो वास्तविक दुनिया को आभासी वास्तविकता से जोड़ती है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2022 में माइक्रोसॉफ्ट टीमों के लिए होलोग्राम और वर्चुअल अवतार सहित मिश्रित वास्तविकता लाने की अपनी योजना बना चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि मेटावर्स में प्लॉट की बिक्री शुरू हो चुकी है। पॉपुलर मेटावर्स प्लेटफॉर्म सैंडबॉक्स ने पिछले महीने 4.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 32 करोड़ रुपये का वर्चुअल लैंड बेचा है। मेटावर्स इस वर्चुअल लैंड को अमेरिका की एक वीडियो गेम कंपनी के डेवलपर रिपब्लिक रियल्म ने खरीदा है। इससे पहले tokens.com की सब्सिडरी मेटावर्स ग्रुप ने भी मेटावर्स में 2.42 मिलियन डॉलर यानी 18.5 लाख रुपये में वर्चुअल प्लॉट खरीदा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।